हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, प्रिया इंडियन ब्लॉगर। तो आज का ब्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट किया है दिन के 4:30 बजे से, और आज जो डे है वो है वेनसडे, और टाइम 4:30 हो रहा है। और अनन्या की स्टडी वगैरह जो भी थी, दिन के जो भी काम होते हैं वो मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और बहुत दिनों से मैं मॉर्निंग से या लंच से जो ब्लॉग है शूट करती हूँ, बट मैंने कहा चलिए सुबह से टाइम नहीं मिला। वैसे तो मैं सुबह से ही सोची थी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ, बट सुबह से काम टाइम में नहीं मिला मुझे, क्योंकि आज मॉर्निंग में बहुत सारे काम थे, डस्टिंग वगैरह थी। तो मैंने कहा दिन से शुरू कर लेंगे, कोई नहीं, तो टाइम नहीं मिला था। तो अभी 4:30 बजे से शूट कर रही हूँ। हस्बैंड है बाहर, वो कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। एक्चुअली घर वर्क एट होम सबका चल रहा है, लेकिन जो ऑफिस के काम है वो तो आ ही रहे हैं लगातार। और साथ ही साथ उनके जो टेस्ट कोर्स दे रखे हैं कंपनी वालों ने, क्योंकि घर में है नॉलेज के लिए, तो वो कोर्स भी कर रहे हैं घर में बैठे बैठे, तो वो कर रहे हैं। जस्ट अनन्या की स्टडी अभी कंप्लीट हुई है। आपसे मतलब ब्लॉग बनाने से पहले मैंने उसकी स्टडी को पूरा कंप्लीट करवाया, देन मैडम का जो फ़ोन है, जो वीडियो कॉल है वो आ जाती है, वो पूरी कंप्लीट करवाई, मतलब स्टडी उसकी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने कहा भी ये सारे काम कंप्लीट हो गए हैं तो क्यों ना मैं अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा भी अपना एक पर्सनल काम है, मेरी जो चॉइस है, मेरा ये हॉबी है, और मुझे अच्छा लगता है इस चीज़ से लेके आप लोगों से बात करना, तो वो मैं छोड़ नहीं सकती। चाहे व्यूज़ क्यों ना ही कम क्यों ना आए, लेकिन आपसे जो मेरी दोस्ती है और कनेक्शन है, जो कुछ लोग मेरे से शुरू से जुड़े हैं, तो वो चीज़ कनेक्शन नहीं टूट सकता। चाहे टाइम लगेगा, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। शायद मेरे साथ भी अच्छा हो, इम्प्रूव हो जाए मेरा चैनल और ग्रो करे। तो टाइम तो मैंने आपको बता दिया, 4:30 हो रहे हैं, तो अभी मैं बनाऊंगी चाय। और आजकल हम चाय जल्दी पी लेते हैं जब से लॉकडाउन हुआ है, और लॉकडाउन नहीं था जब से हम, जो पहले हमारा जो रूटीन वर्क था तो हम 7 बजे चाय पीते थे, क्योंकि हस्बैंड लोकल जब रहते थे तो वो 7 बजे आते थे, जब वो नहीं रहते थे तो मैं कभी चाय पीती थी कभी नहीं पीती थी। और अभी तो लॉकडाउन है तो कभी भी किसी भी टाइम चाय बन जाती है जब वो बोलते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं तो उनकी आदत है, हैबिट में है चाय पीना। तो कभी मैंने चाय बना के देती हूँ, कभी ग्रीन टी बना के देती हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी चाय और उनसे पूछूँगी चाय के साथ उन्हें क्या खाना है। एक्चुअली आज हमने जो लंच में ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था हस्बैंड का, तो आज मैंने बनाया था रेड सॉस पास्ता, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, किसी और से शेयर करूँगी। तो वो खाया था आज हमने लंच में, तो अभी मैं उनसे पूछूँगी उन्हें क्या खाना है, तो वो चीज़ बना दूँगी। मखाने, मुरमुरे या कुछ और बोलेंगे, चीला वगैरह, तो वो बना दूंगी। तो पहले उनसे पूछूंगी, पहले वो कंफर्म मुझे जवाब देंगे तब मैं बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में, फिर आते हैं गर्मा गर्म चाय और लेते हैं उसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह या कुछ भी जो बोलेंगे वो हस्बैंड लेते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। फ्रिज में क्या कर रहे हो, क्यों ओपन किया? फ्रिज बंद करो बेटा, आपने क्यों ओपन किया है? फ्रीज में थोड़ा ना खेलते हैं, फ्रीज में क्या खेलने के लिए, कोई टॉय वगैरह थोड़ा ना रखे हैं आपके। बंद करो, क्लोज करो अनन्या, क्लोज करो बेटा, चलो कर दो क्लोज। आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊंगी अपम। वैसे तो मैं इवनिंग के टाइम पे स्नैक्स नहीं बनाती हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ है हस्बैंड घर पे हैं तो मैं स्नैक्स बना लेती हूँ शाम के टाइम पे, कुछ भी मुरमुरा हो गया या आपका मखाने हो गए। बट आज मैं बना रही हूँ सूजी के अपम। तो सूजी मैंने ले ली है, उसमें मैं 4 चम्मच दही ऐड किया है, और सब्जियाँ आप देख सकते हैं मेरे पास जो अवेलेबल थी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, गाजर, तो मैंने वही लिया है। उसको लेने के बाद अब मैं उसको बाद में काटूंगी, सूजी पे आ जाते हैं। तो 4 चम्मच बड़े चम्मच दही के लिए थे, उसे मिक्स कर रख दिया मैंने अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पानी लिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसका बैटर बनाया, ज़्यादा पतला नहीं बनाया, अभी मैंने गाढ़ा ही रखा है उसको। जब वो 10 मिनट उसे मैंने रेस्ट करने के लिए दिया, जब वो फूल जाएगा मैं उसकी थिकनेस देखूंगी, तब मैं उसमें पानी एडजस्ट करूंगी कि उसमें कितना पानी लगेगा, ज़्यादा बैटर पतला नहीं बनाना है। तब तक मैं ये जो सब्जियाँ ली है इन्हें चॉप कर लूँगी। तो सूजी हमारी फूल गई है, अब मैंने जो सब्जियां चॉप की हैं उन सब्जियों को इसमें ऐड कर दूंगी और बैटर में अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं बनाना है हमें, तो थोड़ा इसे थिक ही रखना है हमें। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी खाने वाला मीठा सोडा, आप जानते होंगे सबके घर में अवेलेबल है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स कर दूंगी और बस हमारा बैटर जो बन के तैयार हो चुका है अपम के लिए। यहाँ पर मैंने अपम का पैन रख दिया था, वो हमारा गरम हो गया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ग्रीस तो क्या उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ड्रॉप कर दिया है। अब बस अब बैटर को इसमें डाल दूंगी। तो अपम बनाने में लगते हैं 10 मिनट, तो अब इसे मैं स्लो टू मीडियम फ्लेम में ढक के पकने दूंगी।
यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ अपम को, तो 5 मिनट तक मैंने इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम में कुक होने दिया था। तो जो आप ये कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं जो ऊपर की जो बैटर था, सूजी थी, वो भी सिकने लगी है। तो अब हम इन्हें पलट लेंगे, अब इसे भी हम दूसरी साइड से पकाएंगे 5 मिनट तक। तो इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में ये पक जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। बच्चों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, जो सब्जी नहीं खाते हैं इसमें डाल के आप सब्जी भी खिला सकते हैं उन्हें। बस यहाँ पर हमारे जो अपम है दूसरी साइड से भी सिक चुके हैं। अब मैं अपम को उल्टा पलटा करके एक बार और सेक रही हूँ, तो इसको 1 मिनट तक और मैं ऐसे अल्ट पलट के सेक रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो हमारे एक बारीक के जो अपम है वो बन के तैयार हो चुके हैं। इन्हें मैं निकाल लूँगी, तो मैं फोक से निकाल ली हूँ इनको, फोक की सहायता से फोक बीच में डाल दे रही हूँ और उससे निकाल ली हूँ। और दोबारा बार के जो बैटर है वो इसमें ऐड कर दूँगी सेम प्रोसेस से। तो यहाँ हमारे अपम तैयार हो गए हैं और ये हो गई है तैयार चाय, और ये पकते पकते हो गई है काली। तो इसके संग लेंगे हम चटनी। तो चटनी अभी मैं पूछूंगी क्या चाहिए उन्हें, सॉस वगैरह। जो सॉस लेंगे तो सॉस दूंगी, या ग्रीन चटनी लेंगे तो ग्रीन दूंगी। तो ये हमारी तैयार हो चुके हैं चाय, और नाश्ता तो आप लोग भी कर लीजिए। बस यहाँ पर हम कर रहे हैं चाय को इंजॉय, और अनन्या ने देखिए क्या कर रखा है, जो फ्लावर वॉश है उसके सारे फूल निकाल रही है और वो अपम खा लेती है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसी बहाने बच्चे सब्जी खा लेते हैं, वैसे तो मना करते हैं सब्जी खाने के लिए। ये देखिए क्या खाया जा रहा है, मीठे के शौकीन, गौर से देखिए, इतना पसंद है मीठा। टाइम हो गया था 6, हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ कपड़े फोल्ड। मैंने उनसे कहा था मैं कर लूँगी, तो उन्होंने कहा मैं न्यूज़ सुनते सुनते कपड़े फोल्ड कर देता हूँ। आजकल 6 बजे भी उजाला होता है, आपको उजाला दिख रहा होगा। और इससे पहले आपने देखा ना, हस्बैंड को मीठा खाने का कितना शौक है, उन्हें मैं कितना भी मना करूँ बट उन्हें खाना है तो खाना है, फ्रिज में होना ही चाहिए। तो फ्रिज खोलते हैं दोनों, पापा और बेटी, तो बस मीठे पे लग जाते हैं। जो उन्हें खाना है तो खाना है, किसी की नहीं सुननी है। टाइम हो गया था 7 और मैं आ गई थी पूजा करने के लिए हस्बैंड के साथ। मैं भी कपड़े फोल्ड कराने के लिए बैठ गई थी और फिर हम लोगों ने न्यूज़ सुनी। तो टाइम हो गया था 7, फिर पूजा का टाइम हो गया था। यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना वायरस से हमारे देश को सुरक्षित रखे और हमारे अपनों को सुरक्षित रखे इन सब चीज़ों से। फिर से आ गई हूँ मैं किचन में रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आलू मैंने भिगो के रख रखे थे ताकि वो काले ना पड़े, बीन्स तो मैंने मॉर्निंग में ही काट के रख दी थी। सब्जी हमारी कट चुकी है, अब मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। और हस्बैंड किचन में आए थे और अनन्या भी आई थी, हस्बैंड ने पूछे थे कि सब्जी क्या बना रही हो, तो मैंने उनको कहा मैं बीन्स आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो उनका मूड जो है ख़राब हो गया, मूड इसलिए ख़राब है एक्चुअली हस्बैंड को खाने में माड़े के संग हरा साग, तो हरा साग मैं बना नहीं रही हूँ, मैं बना रही हूँ बीन्स आलू की सब्जी, क्योंकि सब्जी नहीं लेके आए हैं अभी, हम बाहर नहीं गए सब्जी लाने के लिए। तो इतना मैं उनको कह रही हूँ, हर समय मन का नहीं हो सकता, जो आप चाहो हमेशा नहीं होता है, वो ये मिल रहा है वो भी बहुत है इस लॉकडाउन में। मैं हस्बैंड को बोल रही थी ये मिल रहा है यही बहुत है, हमेशा आपके मन का नहीं हो सकता, जो आपको खाना है वही आपको चाहिए, तो मूड मत ख़राब करो। तो उन्होंने खा लिया था इसी के संग, मैंने माड़े बनाए थे इसी के संग खा लिया था। तो हरी सब्जी में ठेले वालों के लिए भी रिस्क है यार, जल्दी ख़राब हो जाती है, कभी बिके या ना बिके तो उनकी भी एक प्रॉब्लम ही है। सब्जी हमारी बन गई है, अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल के आटे का घोल माड़े के लिए। और मेरे फिर से बर्तन हो गए थे, छन्नी वगैरह आप देख रहे होंगे, क्योंकि चावल का आटा छाना था, मैं छन्नी धो के रख देती हूँ। और बर्तन धोना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता, किस किस को बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता कमेंट में बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो घोल है वो तैयार हो चुका है, और मैंने तवा रख दिया था वो भी गर्म हो गया है, और दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। बस अब माड़ा डाल दिया है, माड़ा हमारा सिक रहा है, और मैंने कपड़े धोने के लिए लगा रखे। वैसे मैं रात में कपड़े धोने के लिए नहीं लगाती हूँ, और आज ज़्यादा कपड़े थे तो मैंने रात में लगा दिए। डिनर बनके तैयार हो चुका है, तो आप लोग भी कर लीजिए। तो अब मैं इनको दे के आती हूँ, अनन्या और ये खाएंगे। आप भी खाओ पापा के संग, ये इसके लिए अलग से ला दूँ। कैसे हो रहे? ऐसे बोलो, कैमरा ले, ऐसे करो, ऐसे उधर देखते हो भैया। यहाँ आ गई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए, और एक बारी के मेरे धुल गए थे तो मैंने उनको डाल रही हूँ, और दोबारा बारी के लगा दिए थे मैंने। और हस्बैंड और अनन्या को तो आपने देखा होगा, वो किस तरीके की नौटंकी करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। इसके बाद आपसे फेस टू फेस मिल रही हूँ, तो नाइट के जितने भी काम होते हैं डिनर के बाद वो सारा कम्प्लीट हो चुके हैं। और कपड़े लगाए थे धुलने के लिए, कपड़े धुल गए थे तो उनको भी डाल दिया है। और आपको पता है आज हस्बैंड के मन की सब्जी नहीं बनी थी एक्चुअली, उन्हें जो हरे साग
मतलब माड़ा जब बनता है हमारा चावल के आटे का, तो उनको हरा साग पसंद है उसके संग। बट हर समय आपके मन का नहीं हो सकता, लॉकडाउन में ये सब्जी भी मिली है वो बहुत है, तो उन्होंने उतना मन से नहीं खाया। तो हर समय आपके मन का नहीं हो सकता, तो उन्होंने उतने मन से नहीं खाया, उनका मुंह उतर गया। आप पीछे बैठे हुए दिख भी रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं मूवी। तो एनीवेज इतना भी मिला है वो भी बहुत है। और जो आदत होती है ना इंसान की, वो छूटती नहीं है, धीरे धीरे ही छूटती है। तो चलिए छोड़िए इस बात को, वो ऐसे ही है, मन मार के खाया उन्होंने। मैंने उनको कहा ये भी मिल रहा है, बहुत शुक्र है, आप ये समझो हरा साग कहाँ से लाओ यार, बाहर सब्जी में पर्टिकुलर सब्जी है हरा साग, कौन कोई रख रहा है, कोई नहीं रख रहा, और यहाँ पर तो कोई नहीं रख रहा है। तो यही बोल रही थी मैं उनको, हर समय आपके मन का नहीं हो सकता, जो आप चाहते हो वो नहीं हो सकता। तो उन्होंने खा तो लिया लेकिन मन मार के खाया है। बट एनी वे, तो चलिए गाइज सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ और आप लोग भी रेस्ट करिए। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।